तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी निकल के आई है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से टाटा अल्ट्रोज़ को 5 स्टार रेटिंग जो है ग्लोबल एनकैप ने दी है। ये दूसरी गाड़ी होगी इंडिया की, और फर्स्ट जो थी वो भी टाटा मोटर्स की ही नेक्सॉन थी, और ये भी टाटा मोटर्स की अल्ट्रोज़ गाड़ी है। तो इन दोनों को भी 5 स्टार रेटिंग मिली है, और किस तरह से पूरा ये डिस्कशन होगा ये आपको मैं बताऊँगा। और साथ ही में जो इसकी राइवल कार है बलेनो, जो इसका प्राइम राइवल है, तो उसकी रेटिंग कितनी है, और जो बाकी गाड़ियों की रेटिंग है वो भी आपको मैं कुछ गाड़ियों की रेटिंग इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पर आईडी पॉपअप हो रही होगी, उसे आप जाकर फॉलो कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी मेन डिस्कशन की ओर, और जानते हैं कि किस किन चीज़ों पर इसे 5 स्टार रेटिंग दी गई है। तो मैं आपको सब बताऊंगा, और साथ ही में इसके जो राइवल है बलेनो और भी i20 और भी इसके नीचे की गाड़ियाँ जो है इनकी भी आपको मैं रेटिंग बताऊंगा एक बार सबसे लास्ट में। तो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है हर तरह की चीज़ ध्यान में रखी जाती है। जब गाड़ी एक्सीडेंट होता है सामने से या फिर साइड से इंपैक्ट होता है, तो उन चीज़ों में आपका हेड इंजरी कितना होता है, आपको चेस्ट प्रोटेक्शन कितना मिलता है गाड़ी में, और लेग प्रोटेक्शन कितना मिलता है, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। तो यहाँ पर चेस्ट प्रोटेक्शन और हेड प्रोटेक्शन अल्ट्रोज़ में जो है वो गुड यानी अच्छी कहलाई है। तो जो इंजुरी है, अमाउंट ऑफ इंजुरी हेड और चेस्ट पे, वो बहुत ही कम है। साथ ही में सबसे बढ़िया जो चीज़ थी एक्सेलेंट वो थी लेग एरिया में, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है ज़्यादा कंप्रेस नहीं हुआ है, इसलिए आपको जो फुट एरिया है वो ज़्यादा कंप्रेस नहीं हुआ, इसलिए पैर पे जो लगने वाली चोट है वो भी कम यहाँ पर आई है। तो सबसे ज़्यादा एक्सेलेंट काम यहाँ पर फुट एरिया ने किया है, और आपके जो पैर है यहाँ पर अगर एक्सीडेंट होता है तो आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन यहाँ पर मिलेगी। जो ये आर्किटेक्चर था अल्फा आर्क, इसे पिछले साल ही ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था, और ये आर्किटेक्चर कितना अच्छा है, कितना सेफ है, और कितना जो स्ट्रॉन्ग है, ये अभी हमें पता भी चल चुका है। और इस पे ही बहुत सारी गाड़ियाँ जो है टाटा मोटर्स की बन के आने वाली है फ्यूचर में। तो यहाँ पर जो है इसका जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर था, जो स्ट्रक्चर कंप्रेशन था वो ज़्यादा नहीं था, फुट एरिया में जो है था वो भी कंप्रेशन कम था, और साथ ही में जो चाइल्ड ऑक्यूपेंट के लिए 3 स्टार रेटिंग दी गई है, तो इसकी वजह थी कि पीछे जो चाइल्ड ऑक्यूपेंट था उनके उस क्रैश के दौरान में जो हेड रेस्ट था वो निकल के गिर चुका था, और साथ ही में कुछ बेबी के जो हेड था तो हेड जो है कार के इंटीरियर से थोड़ा टकरा गया था, इसलिए जो है 2 स्टार का माइनस हो चुका है। तो पर बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि जो आप देखेंगे लगभग हर गाड़ियों में 3 स्टार रेटिंग आपको मिलेगी चाइल्ड ऑक्यूपेंट के लिए, उसी तरह से इस गाड़ी में भी आपको 3 स्टार रेटिंग तो मिल रही है, पर अडल्ट ऑक्यूपेंट के लिए आपको इस गाड़ी में जो है 5 स्टार रेटिंग मिल रही है। तो आपका बहुत ही ज़्यादा सेफ़ ये गाड़ी होने वाली है। और यहाँ पर आपको मैं कुछ गाड़ियों की जो रेटिंग है वो बताऊँगा। इसकी जो राइवल है, जो सबसे ज़्यादा राइवल इसकी होने वाली है, जो इसका सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, वो है बलेनो के साथ में। बलेनो को जो है रेटिंग इसमें मिली 3.5 स्टार जो है अडल्ट रेटिंग मिली थी, और चाइल्ड ऑक्यूपेंट के लिए इसमें जो है वो 3 स्टार रेटिंग दी गई थी, और अल्ट्रोज़ में आपको 5 स्टार की रेटिंग मिल रही है। यहाँ पर दूसरी गाड़ी जो है वो है स्विफ्ट मारुति सुजुकी की ही, पर यहाँ पर आपकी जो रेटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे आ जाती है। यहाँ पर आपको 0 स्टार रेटिंग मिलती है अडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए, और 1 स्टार मिलती है चाइल्ड ऑक्यूपेंट के लिए, पर ये बहुत ही ज़्यादा भयानक ख़राब रेटिंग इसे आप कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब प्रदर्शन जो है स्विफ्ट का रहा है क्रैश टेस्ट में। और साथ ही में इसके साथ में अगर मैं आपको i20 की Hyundai की i20 की रेटिंग बताऊँ, तो ये 4 स्टार रेटिंग है अडल्ट के लिए, और 3 स्टार रेटिंग है चाइल्ड ऑक्यूपेंट के लिए। तो यहाँ पर ये गाड़ी भी अच्छी है, पर जो मारुति की गाड़ियाँ हैं वो 3.5 से ऊपर नहीं गई है। यानी मैं बलेनो और स्विफ्ट इस वीडियो में जो गाड़ियों में नाम लिया उनकी बात कर रहा हूँ, तो बलेनो का 3.5 और मारुति के स्विफ्ट का 0 स्टार रेटिंग है। साथ ही में सिलेरियो भी सेम स्विफ्ट के लेवल पे ही आती है, 0 स्टार रेटिंग आपको मिलता है यहाँ पर अडल्ट के लिए, और 1 स्टार मिलता है आपको चाइल्ड ऑक्यूपेंट के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सेफ अल्ट्रोज़ यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि मारुति सुजुकी एक वेल एस्टेब्लिश ब्रांड है, फिर भी उनकी रेटिंग जो है 0 to 3.5 रेटिंग है, और अल्ट्रोज़ की रेटिंग है 5 स्टार, 5 out of 5 स्टार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ़र्क अल्फा आर्किटेक्चर का यहाँ पर पड़ रहा है। तो अभी जो लोगों ने गाड़ी बुक की है अल्ट्रोज़, और जो लोग करने वाले थे प्लानिंग है, उनको बधाई हो, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा बेस्ट गाड़ी जो है आपने बेस्ट गाड़ी चॉइस की है। तो ये गाड़ी जो है अभी इसका डिज़ाइन कुछ अलग था, फीचर्स भी अच्छे थे, और साथ ही में अभी सेफ्टी भी अच्छी है, तो ये पूरा पैक मिलाकर एक अच्छा कॉम्बो मिलता है आपको। ये बहुत ही ज़्यादा हॉट सेलिंग कार हो सकती है टाटा मोटर्स के लिए, क्योंकि इन्होंने बुकिंग जो लेना शुरू कर दी है गाड़ी की, और इस लॉन्च से पहले ही इसका जो सेफ्टी टेस्ट है, क्रैश टेस्ट है, वो कर लिया है, और शायद से इन्हें भरोसा भी होगा कि इनके अल्फा आर्किटेक्चर पर कि ये इतना स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इन्होंने पहले ही रेटिंग इसकी जो करवा ली थी।
और ये सही बात भी है, 5 स्टार रेटिंग के साथ निकल के आई है गाड़ी, तो ज़रूर इसके बुकिंग पे इसका असर तो ज़रूर पड़ना ही है। और गाड़ी भी अच्छी है, अगर चांस मिलता है तो गाड़ी की शूटिंग भी करेंगे। तो यही था आज का पूरा वीडियो, और इसी के साथ में इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके बताइए किस तरह से आप अल्ट्रोज को देखते हैं इस 5 स्टार रेटिंग के बाद में, और टाटा ब्रांड को भी। तो ये सब चीज़ें आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे वो पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, वहाँ पर प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रॉब्लम के जवाब देने में कभी भी हिचकिचाता नहीं हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।